Hello guys, hope you like our videos, and if you like our videos, subscribe our channel and press the like and share button. In this video, we are going to do chapter number 1, real numbers concept, previous year questions, year 2015, part 2. हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2015 में आया था, दैट इज शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस वन एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय थ्री वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. वो कहते हैं हमारे पास तीन नंबर्स हैं एन एन प्लस वन और एन प्लस टू. हमने शो करना है कि एक टाइम पे एक ही नंबर जो है इन तीनों में से डिविजिबल हो थ्री से. तो हमने यहाँ पे लिख लिया है n n प्लस वन एन प्लस टू थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. हमने यहाँ पे लेट कर लिया है n इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर, वेयर आर की जो वैल्यू है वो मिनिमम जीरो या जीरो से बड़ी होएगी पर थ्री से कम होएगी. तो अभी यहाँ पे हमारे पास इस लाइन को हम नेम दे देते हैं लाइन नंबर वन. यहां से हमें पता लग रहा है कि आर की थ्री वैल्यूज के ऊपर हमें बात करनी है, दैट इज जीरो वन टू. तो केस नंबर वन ले लेते हैं, जब हमने r को पुट करा 0 इन 1, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है वो बन गई n इज इक्वल टू थ्री क्यू. अगर हम यहाँ पे n प्लस वन फाइंड आउट करें तो बन जाएगा थ्री क्यू प्लस वन, और अगर हम n प्लस टू फाइंड आउट करें वो बन जाएगा थ्री क्यू प्लस टू. तो हमें केस नंबर वन में ये बात क्लियर हो रही है कि जो n है उसमें लिखा है थ्री इंटू क्यू, दैट मीन्स ये जो n है वो डिविजिबल है थ्री से. बट अगर हम एन प्लस वन देखते हैं तो उसको जब हमने थ्री से डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया क्यू प्लस रिमाइंडर वन. जब हम एन प्लस टू को डिवाइड करते हैं थ्री से तो क्वेश्चन आया क्यू पर रिमाइंडर जो है वो आया टू. दैट मीन्स ये दोनों डिविजिबल नहीं है थ्री से, तो इसमें सिर्फ एक ही डिविजिबल हुआ, दैट इज एन. फाइन, इसी तरह हम केस नंबर टू लेते हैं. जब हम पुट कर रहे हैं आर को वन, किसमें? फर्स्ट वाली लाइन में. तो हमारी फर्स्ट वाली लाइन बन गई एन इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन. अगर हम एन प्लस वन फाइंड आउट करें इसमें तो ये बन जाएगा थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन, तो ये बन गया थ्री क्यू प्लस टू. अगर हम इसमें एन प्लस टू फाइंड आउट करें तो वो बन जाएगा एन की वैल्यू है थ्री क्यू प्लस वन, और उसके बीच में हमने टू ऐड करवाना है तो ये बन गया थ्री क्यू प्लस थ्री. तो यहां से हमारे पास थ्री कॉमन आ गया, अंदर बच गया क्यू प्लस वन. तो अभी हम केस नंबर टू में देखते हैं जहां पे हमने आर को वन फिट करा तो क्या क्या केसेस बने. तो जब हमने एन को थ्री से डिवाइड कराया तो क्वेश्चन आया क्यू पर रिमाइंडर हमारे पास बचा वन. जब हमने एन प्लस वन को थ्री से डिवाइड करवाया तो क्वेश्चन आया क्यू पर रिमाइंडर बचा टू. जब हमने एन प्लस टू को थ्री से डिवाइड करवाया तो क्वेश्चन आया क्यू प्लस वन डिवाइड हुआ थ्री से. पर यहां पे प्लस में तो कुछ नहीं लिख रखा तो हम प्लस में जीरो डाल लेते हैं, तो दैट मीन्स यहां पे रिमाइंडर जीरो आया है. दैट मीन्स ये जो एन प्लस टू है ये जरूर डिवाइड हो रहा है किससे? थ्री से. पर ना तो एन प्लस वन डिवाइड हो रहा है ना एन डिवाइड हो रहा है. तो केस नंबर टू में एक ही मींस एन एन प्लस वन और एन प्लस टू में से एक ही नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे? थ्री से. अभी हम केस नंबर थ्री ले लेते हैं जिसमें हम आर को पुट कर लेते हैं क्या टू, किस लाइन में? फर्स्ट लाइन में. तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या बन जाएगी? एन इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू. अगर हम एन प्लस वन फाइंड आउट करेंगे तो एन की वैल्यू तो थ्री क्यू प्लस टू है, उसमें ऐड करेंगे वन तो वो बन जाएगा थ्री क्यू प्लस थ्री. इसमें से हमारा थ्री कॉमन आया, अंदर बच गया क्यू प्लस वन. अगर हम एन प्लस टू फाइंड आउट करते हैं तो वो बन जाएगा थ्री क्यू प्लस टू प्लस टू, तो ये बन गया थ्री क्यू प्लस फोर. फोर को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, थ्री क्यू प्लस थ्री प्लस वन. ये पहले दोनों पार्ट्स में से थ्री कॉमन आया, अंदर बच गया क्यू प्लस वन और पीछे प्लस वन लिख रखा है. अभी हम ये जो केस नंबर थ्री में आर को टू पुट किए हैं इसमें हम केसेस जो अंदर बने हैं वो डिस्कस करेंगे. जो तो n है उसकी वैल्यू आई है थ्री क्यू प्लस टू, दैट मीन्स जब हमने n को थ्री से डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया क्यू और रिमाइंडर बचा टू. दैट मीन्स ये तो डिविजिबल नहीं है किससे? थ्री से. डिविजिबल तभी होएगा अगर रिमाइंडर जीरो आएगा.
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हमने n प्लस वन को 3 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया q प्लस वन, क्या इसके पीछे कुछ ऐड हो रहा है? नहीं ऐड हो रहा तो हम प्लस लिख लेते हैं, जीरो। जीरो मींस रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर जीरो का मतलब है कि ये नंबर जरूर पूरे का पूरा डिविजिबल हो रहा है 3 से। अगर हम n प्लस टू को देखें तो जब हमने उसको 3 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया q प्लस वन, और रिमाइंडर जो पीछे प्लस वन है वो रिमाइंडर है, दैट मींस रिमाइंडर बचा वन, दैट मींस ये जो नंबर एन प्लस टू है ये डिविजिबल नहीं है 3 से। तो केस नंबर 3 में भी इन तीनों नंबर्स में से, तीन नंबर कौन, एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू, इन तीनों नंबर्स में से एक ही नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हुआ, कौन सा, एन प्लस वन। तो यही तो हमने शो करना था, क्या कि एक टाइम पे इन तीनों नंबर्स में से एक ही डिविजिबल हो, किससे, 3 से। सो दिस हाउ वी हैव प्रूव्ड इट। और ये जो क्वेश्चन है ये 2015 ऑल इंडिया सीबीएसई में आ रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई करिए, रिवाइज करिए। Hope you like the video. Subscribe our channel for more interesting videos of mathematics. And do not forget to press the bell icon for latest notifications on our channel. Do tell us about your views regarding our videos in the comment section. Thanks for watching.